हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं अभी वीडियो शूट कर ही रहा था पेन ड्राइव और जे ड्राइव के लिए, तो मेरे को लगा कि आप लोगों से बात करता हूँ। लगभग मॉर्निंग 4 AM होने वाला है, थोड़ा थका हुआ भी हूँ मैं, तो जस्ट वीडियो करते करते मेरे को लगा कि आपसे बात करता हूँ करके। ठीक है, तो मैं जैसा भी हम लोग मॉर्निंग हो रहा है, तो बस थोड़ी देर में चाय वगैरह पीने जाने वाले भी हैं, तो मेरे माइंड में कुछ थॉट चल रहे थे, तो मैं सोचा कि बात करता हूँ। जैसे कई बार ऐसा रात का प्लान अगर मेरे को करना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रीज़न के कारण परेशान हूँ, तो फिर मैं सॉल्यूशन ये ढूंढता हूँ कि अपने आप को डाइवर्ट करूँ अपने वर्क के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं अपने वर्क के रिस्पेक्ट में डाइवर्ट करता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक फॉर्म में होती है। अगर मैं कोई भी रीज़न वाइज अगर परेशान हूँ, तो कई बार आसान नहीं होता है चीज़ों से निकल पाना, तो मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। अभी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे, सब लोग को अपना लगभग स्कोर का आइडिया हो गया होगा कि किसका कितना स्कोर आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 और 35 के स्कोर में होंगे, ऐसे जो लोग 8th सेमेस्टर में जिनका एग्जाम होने वाला होगा, जो लोग एकदम कट ऑफ वगैरह क्रॉस करने वाले होंगे, वो लोग अपना प्लान करना चालू भी कर दिए होंगे कि उनको ड्रॉप लेना है, कहाँ जाना है, ये सब उनकी प्लानिंग का पार्ट हो गया होगा। मेरे को उन लोगों का थोड़ा सा टेंशन है जो 1 ईयर एक बार ड्रॉप लिए, लेकिन किसी रीज़न वाइज उनका स्कोर नहीं आ पाया। उनका स्कोर जितना आना था, लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। जिन लोगों का 70 मार्क्स आना था, उनका 50 मार्क्स आ गया। जिन लोगों का 80 मार्क्स आना था, उनका 60 मार्क्स आ गया। और वो लोग थोड़े से परेशान होंगे उस फॉर्म में, क्योंकि मैं सब लोगों से अभी डेली मिल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ लोगों की परेशानी। और जिन लोगों का ड्रीम बड़ा होता है, जो लोग लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है इस वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टफ सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, ये आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। तो टफ सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी सिचुएशन ऐसी होती है कई बार कि आसान नहीं होता है इन चीज़ों को हैंडल कर पाना, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ हैंडल करने का। ठीक है, तो अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो लोग भी 1 ईयर ड्रॉप ले चुके हैं, जो सेकेंड ईयर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे होंगे, जो भी रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, उसका बहुत केयर करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों का रीजन ये रहा होगा कि वो लोग मिस्टेक्स बहुत किए इस बार, पेपर में लोग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किए, तो उनका जो मिस्टेक्स है वो उनको देखना होगा कि इस बार वो कैसे रिकवर करेंगे। और जब आप एक बार और ड्रॉप लेने का प्लान करते हो, तो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहना होता है। सेकेंड चीज़ है कि फाइनेंशियली भी इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए कि वो अभी क्या करें। ऐसा भी मैक्सिमम लोगों के साथ होगा। घर वाले और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपके ऊपर, और ज़्यादा आपको मनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कई लोगों के लिए स्ट्रगल होगा कि अब हम क्या करें करके। तो कुछ ऐसे लोग, जिन लोगों को लगता है कि मनी वाइज इतना आसान नहीं है, वो लोग अपने अपना बेस्ट लोकेशन सेलेक्ट कर ले और एमटेक का प्लान कर सकते हो। ऐसे ही नॉर्मल ऐसे कॉलेज से जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता हो, पहले कंफर्म कर लेना कि स्टाइपेंड आपको मिलता हो 12,400 के आसपास मिलता है, 12,400 या 800 आई थिंक। तो आप वो कंफर्म कर लेना जो एकदम प्रॉपर मंथ वाइज या 2 मंथ में मिलता हो, तो आपका आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा निकल जाएगा और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है आज की डेट में, सिचुएशन इतनी उनकी टफ है कि अगर आप क्लास नहीं जाते हो, तो वो चाहते हैं कि क्लास आप जाओ भी मत, कौन आपको पढ़ाते रहेगा, बस आप एग्जाम देने आओ, फॉर्म भरो, ऐसा सब लोग चाहते हैं। इवन एमटेक की भी उनकी सीट्स नहीं भर रही, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता आपका। अगर कट ऑफ भी अगर है आपका 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, तो आपको आराम से मिल जाएगा, बस चेक कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ऐसा करना है, बट याद रखना जब भी ऐसा आप डिसीजन लेते हो, तो प्रॉब्लम ये होती है कई बार कि कई बार हम एमटेक करते रह जाते, आसान नहीं होता है कई बार टफ सिचुएशन से हैंडल कर पाना, है ना। तो फिर कई बार हम लोग वो एमटेक ही करते रहते जो हमारा ड्रीम नहीं था, एक नॉर्मल से कॉलेज से ड्रीम नहीं था, एक नॉर्मल से कॉलेज से हम एमटेक करें। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आप एक बार और ट्राई कर सकते हो और आप किसी बाउंड्री पे जाकर रुक गए थे, तो अपने डिसीजन को बहुत अच्छे से लीजिएगा कि आप क्या कर सकते हो करके। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोग, जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, जिन लोग और स्कोर कर सकते थे लेकिन वो लोग मिस्टेक किए, दो टाइप की कैटेगरी के लोग होंगे। एक ऐसे लोग जिनसे क्वेश्चन नहीं बना, एक ऐसे लोग जिनसे क्वेश्चन बनता था पूरा मिस्टेक किए। जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता था, उनको अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की नीड है, क्योंकि उनको तो उतना आता नहीं है, तो उनको फिर अपने कंटेंट पर बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। बट ऐसे कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जिनको आता है, जो लोग पेपर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या पेपर के बाद वो जब देखे कि उनकी जो मिस्टेक्स अगर वो नहीं होती तो उनका स्कोर बहुत ज़्यादा होता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं कन्फर्म हूँ पूरे इंडिया से। तो ऐसे लोग अपनी प्रिपरेशन मोड को ऐसा भी रख सकते हैं कि वो लोग इस बार गेट के साथ साथ ESC की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि गेट अभी हम दिए हैं, अभी हमारा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें क्या ना करें, तो प्रिपरेशन मोड आप कैसे रखोगे? तो कुछ तो न्यू होना चाहिए ना, और न्यू मतलब कुछ भी न्यू नहीं, कुछ तो न्यू होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आप इतने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ गेट की प्रिपरेशन किए होंगे, तो वो लोग ESC
का जो पेपर होगा जनवरी में प्री का, वो पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को अच्छे से क्लियर करना होगा। लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर का पैटर्न देख लो। ESE में अगर आप गेट में अगर आपका स्कोर अच्छा आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया किसी रीजन वाइज, ESE का प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा वर्कआउट करना रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आप इतना कंटेंट पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 महीने बाद गेट का एग्जाम फिर से आपको देना है, तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि हाँ नेक्स्ट 2 मंथ के बाद हम लोग गेट का एग्जाम फिर से दे सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं, तो ऐसे लोग अपनी प्रिपरेशन को ना बहुत फास्ट मोड में रखना। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतना सारा एफर्ट किए लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हो तो आपको अभी एग्जीक्यूट करना बचा है, तो गिव अप मारने का तो प्लान होना ही नहीं चाहिए। बस आप अपनी सर्कमटेंसेस को देख लो, अपनी सिचुएशन को देख लो, आप बस अपने आपको देख लो कि आप कैसे हैंडल करने वाले हो। आप घर में पढ़ने वाले हो कि किसी जगह पे पढ़ने वाले हो, किसी फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले हो, ये आप कुछ आपको देखना है। तो मेरे को उन लोगों का बहुत टेंशन है जो 1 ईयर के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो अपनी प्रिपरेशन मोड बहुत अच्छे से रखे, बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट किए लेकिन उनका स्कोर किसी रीजन वाइज नहीं आ पाया। कोई भी रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मेनली मिस्टेक्स वाला पार्ट डोमिनेटिंग हुआ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ हमेशा कि आपको लास्ट दम तक अपना बेस्ट एफर्ट देना है, क्योंकि एक एग्जाम के एक फेलियर से एकदम से आप डिसाइड मत कीजिए कि कुछ भी चीज़ एकदम से डिसाइड मत कीजिए, और एकदम से डाउन फील करने की नीड भी नहीं है कि आप एकदम से डाउन फील करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अगर कितना आसान नहीं होता है, कई बार बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं खुद टफ सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। आसान नहीं होता है, कई बार मेंटली एकदम परेशान है इंसान, इतना सारा वर्कआउट है, इतना सारा प्रेशर है, पूरे इंडिया का प्रेशर है मेरे ऊपर, तो पूरा पेन ड्राइव जी ड्राइव पूरे इंडिया से इतने सारे लोग परचेस कर चुके हैं, तो सब लोग का इतना प्रेशर है। कोई बोल रहा है लाइव क्लासेस ले लो, कोई बोल रहा है कि कोलकाता में सेंटर ओपन कर लो, कोई बोल रहा है कि दिल्ली में सेंटर ओपन कर लो, कोई बोल रहा है अहमदाबाद में सेंटर ओपन कर लो, पूरे इंडिया से इतने सारे मैसेजेस आ रहे, तो नो डाउट प्रेशर है। फिर ये तो एक डिफरेंट ही प्रेशर है। कुछ ऐसे भी प्रेशर है जिनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे भी प्रेशर के साथ मेरे को अपने आप को कैरी करना पड़ता है, तो आसान नहीं होता मेरा सिचुएशन, तो फिर मैं कैसे करूँगा ऐसे सिचुएशन में, मैं कैसे करूँगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसे सिचुएशन को मैं मतलब आसान तो नहीं होता, लेकिन ऐसे सिचुएशन को मैं सोचता हूँ कि अपना वर्कआउट वाले पार्ट पे फोकस किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमको बहुत अच्छे फॉर्म में करना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको केयर करना चाहिए। जस्ट मैं आपको इसलिए अभी जस्ट 4 बज रहा था और मेरे को लगा कि कुछ आपसे बात करना चाहिए, तो मैं इसलिए बात किया कि आप ये समझ सके कि मतलब मैं भी वर्कआउट करता हूँ, मतलब मेरे पास इतना सब कुछ है, इतने सारी चीज़ है, इतना बड़ा टीम है, इतने सारे लोग हैं, सब लोग मेरे लिए वर्कआउट इतना सारा कर रहे हैं। गेट एकेडमी की खुद की टीम है, एक फैमिली मेम्बर इतना बड़ा है, यूट्यूब में इतना बेहतरीन माहौल है, पूरे इंडिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना सब कुछ है। उसके बाद भी मॉर्निंग 4 AM मैं यहाँ खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा सब दिख रहा होगा फेस में भी, उतना प्रॉपर फ्रेशनेस नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। मेरे को लगता है, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं शेयर भी करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक ही बार ज़िंदगी मिली है, एक ही बार लाइफ मिली है, तो उस लाइफ को जितना बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सके उतना यूटिलाइज किया जा सके, है ना। हमेशा लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एथिकल रहो, आप ऑनेस्ट रहो, आप अपने आप से बेस्ट दो, किसी को हर्ट मत करो, जितना हो सकता है उतना बेस्ट देने का ट्राई करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लोगों से मिलते रहता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग बहुत सारे रीजन के कारण परेशान हैं, किसी का कुछ हो गया, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी का मन नहीं लग रहा, इतने सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा जो टाइम चल रहा है वो टाइम भी इतना टफ टाइम चल रहा है जहाँ पे जॉब के चांसेस नहीं है। अभी इसरो का अगर एग्जाम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं दे सकते इस बार, इलेक्ट्रिकल वाले अगर दे रहे तो उसमें से सिर्फ 5 सीट्स है, तो 5 सीट्स के लिए बहुत सारे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि 5 सीट्स में कोई क्यों फॉर्म भरेगा, ऐसा हो गया। तो इतने सारे चांसेस आपके पास कई बार दिखते नहीं है कि हम क्या क्या करें क्या क्या ना करें। तो ऐसे सिचुएशंस में जो लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे, जो लोग अपने आप को अच्छा कैरी करेंगे, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जो लोग फिर से फाइट करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि मज़ा वही तो है कि मतलब आप गिरे हो और आप गिर के उठने का ट्राई नहीं कर रहे हो, तो फिर चीज़ें कैसे अच्छे फॉर्म में होगी, है ना। मेरे को पता है कि कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि भाई सभी लोग गिर के उठने का ट्राई करेंगे, तो मेरे में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है कि जब मैं गिर के उठूंगा तो सबसे बेस्ट बनूंगा। ऐसा बहुत बार माइंड में थॉट आता होगा बहुत सारे लोगों का कि मेरा अपने आप कैसे अच्छा होगा, मैं तो इतना स्मार्ट भी नहीं हूं, इतना टेक्निकली स्ट्रांग भी नहीं हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को आइडिया भी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि ठीक है, अपना जो एफर्ट करने वाला पार्ट है वो कम नहीं होना चाहिए, अपना बेस्ट जो एफर्ट होना चाहिए वो बेस्ट अपना एफर्ट देते रहो,
तो और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो लोग 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में, उनकी जर्नी अभी बहुत है, अभी तो वो लोग कॉलेज में एंजॉय कर रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं कि अभी अगला जो टाइम आने वाला है वो कितना टफ टाइम है, उनको तो पता ही नहीं, वो तो आराम से अपनी लाइफ को कैरी कर रहे होंगे, तो वो लोग और भी केयर करें क्योंकि उनका टफ टाइम आने वाला है। जिन लोगों का टफ टाइम चल रहा है वो लोग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो लोग अपने आप को कैसे अभी कैरी करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स आने वाला था लगभग 70 75 और आपका मार्क्स आ गया 50 55 60, और आपको लग रहा है कि आपको एक अटेम्प्ट लेना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक अटेम्प्ट लेना चाहिए तो एक अटेम्प्ट ले डालना। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ज़िंदगी भर सोचते रहे कि मैं ये क्यों नहीं किया था, मैं वो क्यों नहीं किया था। कुछ भी चीज़ जल्दबाजी में मत करना, सिचुएशंस कितनी भी टफ हो उसको हैंडल करने की कोशिश करना, एकदम जल्दबाजी में मत रहना। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपका स्कोर एक प्रॉपर स्कोर आ रहा है और आपको लगता है कि मैं एमटेक कर सकता हूँ, और एक अच्छा कॉलेज अगर आपको एमटेक के लिए मिल रहा है तो मेरे को लगता है कि आप एमटेक की साइड जा सकते हो। आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, आईआईटी कानपुर मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है, खड़गपुर मिल रहा है, चाहे फिर मद्रास मिल रहा हो, तो आप आईआईटी वाले पार्ट में जा सकते हो। आईआईटी में जो मतलब पैकेज वाइज पर अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा है आईआईटी में, और आईआईटी में अगर मैं बात करूं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गुड है, आईआईएससी बेंगलोर का एटमॉस्फेयर इतना गुड है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते उनको लगता है कि कैसे भी करके जॉब मिले, अरे सबको पीएससी का जॉब कैसे मिलेगा, इतना इतने सारे लोगों के बीच में स्ट्रगल है, सब लोग पीएससी की जॉब के लिए कैसे आएंगे। अभी हम लोग अपने माइंड में ऐसे बना लिए कि सर अभी मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया, 2 साल ड्रॉप हो गया, तो मैं अब सर पीएससी के लिए पढ़ता हूँ, सर अब मैं कहाँ एमटेक कर पाऊंगा, ऑलरेडी मेरे को तो 2 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हो गया, तो मेरा वैसे भी 2 ईयर्स जा चुका है, अब मैं क्या एमटेक करूंगा। अरे इतना सोचने का नीड नहीं है, अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेने का नीड है कि आप अपने लिए बेस्ट क्या नीड लेते हो, बेस्ट डिसीजन क्या लेते हो। तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि फॉलो करो कुछ चीज़ों को, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करो, आपके लाइफ में कुछ चेंज देखो कि क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी। आप मैं बोल रहा हूँ कि मेरी अगर बातों को फॉलो करते हो तो आप थोड़ा सा चेंज करके देखो, आप चेंज करके देखो कि आप पिछले 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में आप क्या क्या किए हो, क्या आप पूरा टाइम दिए हो, क्या आप प्रॉपर नींद लिए हो, क्या ज़बरदस्ती रात भर जगे हो, कितना मोबाइल में आप टाइम पास किए हो, कितने लोगों के साथ टाइम पास किए हो, कितने लोगों को हर्ट किए हो, कितने लोगों की लाइफ खराब किए हो, खुद की लाइफ खराब किए हो, ये पूरी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आप पूरा चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं बोलता हूं कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हो, और आप नहीं चाहते हो कि आपको बाद में फेलियर के कारण थोड़ा सा फीलिंग आपकी खराब हो, तो आपको एक लॉन्ग प्रोसेस में अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। एक लॉन्ग प्रोसेस में कोई व्यक्ति अगर जिम जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि जिम जाया और वो लास्ट के 10 डेज और 15 डेज में, अगर वो जिम सिर्फ 15 डेज या 20 डेज जिम जा रहा है तो उसकी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो एक लॉन्ग प्रोसेस में लोग कैरी करते तब जाके इतने स्मार्ट दिखते, इतने फिट दिखते। देखो मैं तो उतना फिट नहीं हूँ, बट फिर भी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मेरे को लगता है कि एक लॉन्ग प्रोसेस में कोई भी चीज एक लॉन्ग प्रोसेस में बेस्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो आपका प्रिपरेशन मोड भी ऐसा ही है कि आप अगर सोच रहे हो, अभी मार्च है और कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग को अगले फरवरी में गेट का एग्जाम देना, कई लोग तो पढ़ ही नहीं रहे होंगे कि बहुत टाइम है। अरे ऐसे बहुत टाइम तो पूरे इंडिया के पास बहुत लोगों के पास टाइम है, कितना सारा टाइम बचा है। जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो अपने टाइम को यूज करना चालू कर दिए होंगे, उनको रिस्पॉन्स शीट को देख लिए होंगे कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान करना चालू कर दिए होंगे, उनको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये तो जर्नी है यार, पूरी लाइफ की ये जर्नी है, ये तो ना एंड होने वाली जर्नी है। हर बार आपको प्लान करना पड़ेगा, चाहे आपका गेट में बहुत अच्छा स्कोर आता है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता है, एक बार आप एमटेक करते हो या पीएससी करते हो तो लाइफ की जर्नी है, हर बार प्लान करना होगा, ईयर बाय ईयर बाय ईयर आपको प्लान करना होगा, चाहे आप फेलियर हो चाहे सक्सेसफुल हो, हर व्यक्ति को प्लान करना पड़ता हो अपने अपने अकॉर्डिंग, सबको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपने लिए प्लान करना चालू कर दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो करें। आप कुछ दिन के लिए अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करना चाहते हो तो आप मोबाइल से डिस्टेंस बना के रखिए, मोबाइल को दूर रखिए, आप अपने आप पर टाइम दीजिए, अपने बारे में सोचिए, आपकी प्रॉब्लम सोचिए कि एक्चुअली आप किन किन प्रॉब्लम के कारण अच्छा नहीं कर पाए, अपनी प्रॉब्लम को सोचिए। सेम चीज़ को रिपीट करने का अगर आप प्लान करोगे तो फिर चीज़ें आपके साथ लाइफ में अच्छी नहीं होगी और आप लोगों को देखते रहोगे। आने वाले 4 5 साल के बाद आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको क्रॉस कर गए, क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप इंजॉय कर रहे थे, मोबाइल वगैरह में बिजी थे, ज़बरदस्ती अपने टाइम को बहुत वेस्ट किया आप, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से देखिए। मैं तो बोलता हूँ कि एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है तो 10 o'clock को आप सीधे सोने जाइए, मोबाइल ऑफ कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, मोबाइल को ऑन ही मत कीजिए, फिर आप आफ्टरनून में पढ़िए, 1 या 2 बार मोबाइल को ऑन कीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम रखिए, 1 आवर्स बहुत होता है आपके पास, मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर्स आप फ़ोन के साथ रहिए, बाकी फ़ोन को आप ऑफ करके
दूरी रही है उससे, मतलब मैं ऐसा एकदम सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि इसके कारण आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आप अगर फ़ोन को बंद करके अगर आप पूरे देर फ़ोन के बारे में सोच रहे हैं या फ़ोन करने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप अपने पर फोकस नहीं करोगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। और प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि हमेशा किसका कौन लोग डेडिकेटेड होते हैं, मैं जो देखता हूँ डेडिकेटेड सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद भी वो डेडिकेशन उनका ज़्यादा कंटिन्यू रहता है। अभी आप देख रहे होंगे विराट कोहली का 41 सेंचुरी हो गया, 41 सेंचुरी समझ रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा, मतलब क्या डेडिकेशन, मतलब उसको देख के ही मेरे को लगता है पूरे इंडिया के लोगों को, जितने भी यूथ लोग हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने लोग भी गेट और ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई विराट कोहली का फोटो लगा लो रूम में और उसको देखो देखो डेली देखो कि भाई ऐसा डेडिकेशन चाहिए, मतलब पागलपन वाला डेडिकेशन चाहिए, है ना। इसका अगर हम लोग 0.01% भी लाइफ में अगर फॉलो कर ले, इतना इतना क्या क्या, मतलब जो उसका जो उसका माइंड सेटअप होता होगा, कितना मेंटली स्ट्रांग होगा, उसको अगर हम फॉलो कर ले तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं तो ट्राई करता हूँ फॉलो करने का, तो ठीक है, इसलिए मैं 4:04 AM यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि हमको क्या क्या चीज़ें और अच्छे फॉर्म में करना चाहिए, हमको केयर करना चाहिए बेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अभी किसी को इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़िंदगी किसी की ख़त्म नहीं हो गई, आपका स्कोर नहीं आ पाया, आप अगर प्रॉपर रीजन को अगर पकड़ लिए कि क्या रीज़न था, आपकी प्रॉब्लम क्या, आप मिस्टेक अगर आप बोलते हो कि मेरा 15 मिस्टेक्स है, कोई बोलता है मेरा 20 मिस्टेक्स है, तो 20 मिस्टेक्स होना बहुत बिग है, तो 20 मिस्टेक अगर हुआ है तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, इतना सारा मिस्टेक्स हुआ है। आप बोलते हो कि हमारा टेस्ट सीरीज में 4 मिस्टेक होता था, अब 20 मिस्टेक्स हो गया एग्जाम में मेन दिन, तो ऐसा क्या हुआ कि टेस्ट सीरीज में 4 or 5 मिस्टेक 20 मिस्टेक में कन्वर्ट हो गया। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको करना है, तो चीज़ें अच्छे फॉर्म में कैसे जाएगी। तो अभी बस रिजल्ट आने वाला होगा, आज लगभग 10 हो गया, आज संडे है, मॉर्निंग है, हाँ संडे मॉर्निंग हो गया अभी तक, तो संडे आपके पास लगभग नेक्स्ट सैटरडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग मेरे को लगता है 5 to 6 days बचा है रिजल्ट आने में, लेकिन फिर भी लोगों को आइडिया है कि उनका स्कोर कितना आने वाला, क्योंकि रैंक प्रेडिक्टर से लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट फिर भी मेरे को लगता है कि लोगों की प्लानिंग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, पता नहीं क्यों इतना वेट कर रहे हैं। नॉर्मली आपको आइडिया है कि आपके साथ क्या होने वाला और क्या स्कोर आने वाला है, तो मेरे को लगता है कि प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। जो मैं बोला उसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपको अभी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आप अभी पढ़े थे गेट का, फिर से आपको बुक को टच करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मेरे को लगता है कि आप अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े थे एक साल और आपको लगता है कि आप 2 महीने के बाद फिर से गेट का एग्जाम दे सकते हो, तो 2 महीने के बाद गेट का एग्जाम देने के लिए रेडी रहिए आप। 2 महीने के बाद आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका पेपर चालू होने वाला है, जैसे हम लोग भी पेपर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उस टेस्ट सीरीज को आप पहले से इंगेज करना चालू करो। लास्ट में जो 1 month बचता है गेट के एग्जाम में, उस समय आप बहुत प्रेशर लेते हो, तो अभी आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो तो अभी आप टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को जल्दी से एंगेज कर लो। सेकंड चीज़ है कि कौन से टॉपिक आपके वीक है उस टॉपिक पे वर्कआउट कर लो, और ESE में क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अभी से नोट्स वगैरह बना लो, पूरा पैटर्न देख लो, तो आपके पास टाइम बहुत है अभी टाइम बहुत है, तो अपने ड्रीम बढ़ा लो। जब हम फेलियर होते हैं तो अगला स्टेप ना और पावरफुल तरीके से आगे जाना चाहिए। अगर हम एक स्टेप बैक होते, एक सक्सेसफुल व्यक्ति का एक जो उसका साइन, एक सक्सेसफुल व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है कि जब वो फेल होता है, जितने लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, जब वो फेल होता है तो वो एक स्टेप पीछे हटता है, लेकिन अगला ना वो जबरदस्त एफर्ट मार के आगे जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अभी आप गेट के साथ ESE इंक्लूड कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेट और ESE को इतना मिक्स कर दिए कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास टाइम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा आप प्लान कर सकते हो। तो आप इस बार सोचिए कि जब हम एग्जाम देंगे तो इस बार गेट का भी एग्जाम देंगे, इस बार ESE का भी एग्जाम देंगे, दोनों ही एग्जाम निकाल डालेंगे ऐसी प्लानिंग के साथ। लाइफ के जब ड्रीम आप बड़े करते हो तो फिर आप थोड़े से और अच्छे फॉर्म में जाते हो। हाँ, लेकिन जिन लोगों के 20 मार्क्स 30 मार्क्स आ रहे हैं, जो लोग इस बार ड्रॉप लेके पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान देना, वो दोनों का प्लान एकदम से मत करना, मतलब मेरा सजेशन है, मतलब सिचुएशन एकदम से टफ हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत कंटेंट रेडी करना है, और कंटेंट रेडी करना अगर आपको है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़बरदस्ती 2 exam के बीच में फंस ना जाओ। तो आपका चॉइस है, जितने लोग भी 8th semester वाले होंगे, वो 8th semester वाले लोगों को देखना रहेगा कि वो क्या चाहते, वो गेट करना चाहते कि ESE करना चाहते, क्यों गेट करना चाहते, क्यों ESE करना चाहते, प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर उनको ये देखना है कि उनको कहाँ जाना है, सब उनका चॉइस है, तो उनको प्रॉपर वे में केयर करना चाहिए। ठीक है, बाकी उस बारे में एक आधी बार और मैं बात करूंगा। मेरे को टेंशन है कि जो लोग 1 year के बाद जो लोग सेकेंड टाइम आपका अटेम्प्ट लेने वाले हैं, उनका माइंड सेटअप कैसा है, उनका माइंड सेटअप इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग थोड़े से टफ टाइम से अभी निकल रहे होंगे, तो वो लोग अपना अच्छा केयर कीजिए, एक एक पॉइंट्स को देखते रहिए। आप देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स
आपके वीक है जिसमें आपको वर्कआउट की नीड है, ठीक है। तो डेडिकेशन गजब का होना चाहिए। लाइफ में कई बार टफ सिचुएशन आती है, उसको हैंडल करते आना चाहिए। किसी को पर्सनल प्रॉब्लम आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस पर्सनल चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि एक एग्जाम में फेलियर होता है वो कई बार लोग उतना परेशान नहीं होते जितना पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात होती है। इतना आसान नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता है। कुछ भी चीज़ ऐसे टफ जाती है तो लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पूरे तरीके से चेंज कर डाले और आप अपने लिए कभी अच्छा ना कर पाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑनेस्ट रहिए। कोई कितना भी आपके साथ गलत करे, आप अगर ऑनेस्ट हो तो एट द एंड लाइफ में आपके साथ अच्छा होगा। कोई अगर ऑनेस्ट नहीं है तो टेम्प्रेरी किसी के साथ अगर अच्छा हो भी गया तो फाइनली अच्छा नहीं होगा। तो जितने भी लोग ऑनेस्ट रहते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, जो एथिकल होते हैं, फाइनली उनके साथ गलत नहीं होगा। तो ओवरऑल अपने को ध्यान रखना है कि अपने को एक अच्छे टर्म में बढ़ना है। हाँ, जब भी हम अच्छे होते हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते, एथिकल होते, अपने आप को अच्छे मेंटेन करते, तो स्टार्टिंग का जो स्टेजेस होता है वो उतना सक्सेस वाला नहीं रहता है। उसमें बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत सारा फेलियर वाला पार्ट है। लेकिन एट द एंड वो सब लोग मेरी बात याद रखेंगे कि जो आप बोलते थे सर, वो 5 ईयर्स या 6 ईयर्स बाद वो बहुत काम आया। तो एक लंबे समय के बाद ये जितने भी लोगों का ये प्रॉपर्टी है, जो गुड ह्यूमन बींग है, उनके साथ चीज़ें अच्छे फॉर्म में जाएगी ही। जो किसी को कभी भी डिच नहीं किए, जो कभी किसी को हर्ट नहीं किए, जो एथिकल रहे, अपने चीजों के साथ कैरी किए, अपना बेस्ट दिए है हमेशा हर जगह पे, चाहे वो अपना स्टडी वाला पार्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाला पार्ट हो, जितने लोग भी अपना बेस्ट दिए, अगर उनके साथ कोई गलत भी किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो आप गलत कभी मत बनिए, आप अपने साथ अपने आप को अच्छे से कैरी करते रहिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैं बहुत सारी बात कर डाला बोलते बोलते, ठीक है। तो वो फीलिंग में करते करते मैं ऐसी इतनी सारी बात कर डाला, ठीक है। मैं और भी ट्राई करते रहूँगा, जब भी मेरे को लगेगा। अभी मैं जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी फीलिंग कुछ कुछ आ जाती है कि कुछ आप लोगों से बात करता हूँ, कुछ मेरे माइंड में चलते रहता है। तो मेरे को लगता है कि चलो आप लोगों से बात कर लेता हूँ करके, ठीक है। और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बहुत बिग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाई डे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रही है, लोगों का एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है। तो डर भी लगता है मेरे को कभी कभी, इतना बिग एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है। सब लोग चाहते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए। इतने सारे लोगों के क्वेश्चन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। मेरे गेट अकेडमी की टीम है जो लोग मेरे पर इतना बिलीव करती है, पूरे के पूरे लोग इतना बिलीव करते हैं और सब लोग इतना एफर्ट दे रहे हैं। तो मैं चीज़ों से कई बार डरता हूँ कि सब बेस्ट फॉर्म में जाना चाहिए, सबका एजुकेशन बेस्ट होना चाहिए, कोई कमी तो ना रह जाए, कोई ऐसी चीज़ तो ना हो जाए जिसके कारण चीज़ें कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं ट्राई करते रहता हूँ अपने आप को अच्छे से कैरी करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कई बार मैं अपने बारे में नहीं सोच पाता हूँ। कई बार मैं खुद जानता हूँ कि मेरे साथ चीज़ें क्या चल रही है, मेरे से और कोई नहीं जानता है कि मेरे साथ चीज़ें क्या चल रही है। मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ और पूरी चीज़ों के बारे में सोच पाता हूँ। तो मेरे को कभी कभी तो लगता है कि मेरे लाइफ है ही नहीं। मेरी लाइफ तो इसलिए है कि सब लोग हैप्पी रह सके, मैं यही प्लान करते हुए आगे बढ़ता हूँ। बट ठीक है, अब मेरी जर्नी ऐसी है और मैं इसी चीज़ को इन्जॉय करता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को, जो आप लोगों का अप्रिसिएशन है, जो आप लोगों का रिस्पेक्ट है, जो आपको लव है, उसी चीज़ को मैं इन्जॉय करता हूँ। तो इसको मैं और कंटिन्यू करते रहूँगा और एफर्ट करते रहूँगा, बेस्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, कुछ भी कमी नहीं रखूँगा। ये मैं ट्राई करूँगा, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितना भी मेरे को प्रेशर को हैंडल करना पड़े, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट दे सकूँ। क्योंकि मेरे कारण अगर इतने सारे लोगों की लाइफ में अगर चीज़ें बहुत बेस्ट में हो सकती है, इतने सारे लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मेरे को पर्सनली अपने से ज़्यादा पूरे लोगों का केयर करना चाहिए। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा मेंटली स्टेबल होऊंगा, जितना ज़्यादा मैं फिजिकली फिट होऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैं हर दिन, 2 दिन 3 दिन में प्लान करते रहता हूँ। मैं सोचते रहता हूँ कि और क्या क्या किया जाए करके। तो आप देखते होंगे कि मैं प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते रहता हूँ। तो आप बस ऐसे बने रहिए, अपन ऐसी बात करते रहेंगे, ठीक है। इतने सारे लोगों में से कितने लोग अच्छा कर पाएंगे, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ना आपको बस एक बात मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे कि इतने सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, और एक एग्ज़ाम है, और एक एग्ज़ाम में कि बहुत कम लोग अच्छा करेंगे, बहुत सारे अच्छे लोगों में से भी बहुत सारे लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी सिचुएशन से, इतना सारा जो पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो एक अपना विजन क्लियर रखें कि आप अगर गिव अप नहीं मार रहे हो और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो मैं आज की, कल की या परसों की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, लाइफ में आप फेल नहीं होंगे,
लाइफ में फेल नहीं होना ही सक्सेस है। सक्सेस तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, तो लाइफ में जो आप लॉन्ग जर्नी जीने वाले हो वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। तो बस उसके लिए अपने आप को रेडी रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। बस अंदर से आपको लगना नहीं चाहिए कि कुछ कमी रह गई, ठीक है। अपनी वीकनेस पे वर्कआउट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को चेक कीजिए कि किन जगह पे इंप्रूवमेंट की नीड है। इन्हीं चीज़ों के साथ अपने आप को अच्छे से हैंडल करोगे तो चीज़ें गुड फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तो संडे इन्जॉय कीजिए, इतने बजे तो लोग सो रहे होंगे, है ना। तो संडे वैसे भी जिन लोग की क्लासेस चल रही होगी उन लोग की फुल डे क्लास होगी। ऐसे कुछ लोग होंगे जो लोग आराम से संडे एंजॉय करते होंगे, स्पेशली 8 सेमेस्टर वाले, 4 सेमेस्टर वाले, 6 सेमेस्टर वाले, जिन लोग की क्लासेस नहीं होती होगी, या जो लोग आराम से सैटरडे मूवी देखे होंगे, संडे आराम से 10 o'clock उठेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि संडे का टाइम आप 1 आवर्स 2 आवर अपने लिए निकालिए, अपने बारे में सोचिए। और जो लोग, कुछ लोग तो इसरो का एग्ज़ाम भी होगा तो इसरो का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, कुछ लोग का बार्क का एग्ज़ाम होगा, आज संडे है तो बार का एग्जाम भी दे रहे होंगे। ओवरऑल आपकी जर्नी को कंटिन्यू रखते रहिए, हमेशा हमेशा अपने आप को एक मोमेंटम को मेंटेन रखिए। बिल्कुल बैक जाने की ज़रूरत नहीं, स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं। ये लाइफ है, सबको कैरी करना पड़ता है। जितनी भी सिचुएशन हो, जिस भी तरीके से की सिचुएशन हो, सबको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सबको हैंडल करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, तो यही लाइफ है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता एक एक डायरेक्शन में, ये सभी के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। तो आप बेस्ट ट्राई कीजिए, बेस्ट अपना वर्कआउट कीजिए, ठीक है। और आप लोग जितना बेस्ट करते हो उतना ही मेरे को गुड फील होते रहता है। तो मैं ट्राई करूँगा अपना तरीके से कि मैं आप लोगों को और जितना हो सके उतना बेस्ट दे सकूँ, ठीक है। तो संडे एंजॉय कीजिए आप लोग, और ऐसे ही अपना कंटिन्यू मेंटेन रखिए सब चीज़ों को, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।